संपूर्ण लॉकडाउन को नज़रअंदाज कर घर वालों को जानकारी दिए बगैर एक बालक अपने 8 दोस्तों के साथ संडे की मस्ती करने गिरिडीह के उसरी जलप्रपात पहुंच गया। यहां दोस्तों के साथ फोटो भी खिंचवाया और सेल्फी लेने के चक्कर में फॉल के गहरे पानी में चला गया। घटना के लगभग 8 घंटे बाद घर वालों को इसकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद से SDPO अनिल सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन बच्चे की खोज में जुटा है। हालांकि अभी तक बच्चे का पता नहीं चल सका है। यहां बता दें कि साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान जिले के प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट खंडोली वाटरफॉल में लोग पहुंच रहे हैं। यहां नहाने के क्रम में युवक व बच्चे लापरवाही भी बरत रहे हैं। पिछले दिनों खंडोली में भी नहाने के क्रम में स्टंट की खबर को ETV भारत ने प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक प्रशासन ने सख्ती बरती थी, लेकिन लोग प्रशासन के निर्देशों की अनदेखी कर फिर से जान जोखिम में डाल रहे हैं। छुट्टी बाजार से तंजीम नाम का लड़का जो 13 वर्ष का है, अपने 9 दोस्तों के साथ दोस्तों किराए पर लेकर उसी फॉल घूमने आया था और अपने कुछ लोगों के द्वारा अपने गार्जियंस को नहीं बताया गया था और उनकी नासमझी कहिए या जो कहिए वे सभी नीचे फॉल में उतर गए थे और नहाने के लिए चले गए थे। इसमें तंजीम का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया, जहाँ पानी जब ज़्यादा था और डूब गया। इसके डेड बॉडी को हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम भी आ रही है, हम लोग लगे हुए हैं बीते रात से, तो हम लोग जल्दी उसके डेड बॉडी को खोज लेंगे। थैंक यू।